हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, लास्ट टाइम जो हमने वीडियो में बात किया था कि मेरी वीडियोस पे आपको क्या डिफरेंट लग रहा है, क्या अलग लग रहा है, सो वी आर गोना टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो बट ओवर द फूड। सो विदाउट वेटिंग मच, देखते हैं आज खाने में क्या है। चीयर्स। सबसे पहले हमारे पास है चिकन अफगानी, फिर है वाइट चिकन जो कि वाइट ग्रेवी में है, जीरा राइस, चार अलग अलग रोटियां, बटर कुलचा, बटर नान, इसके नीचे है तंदूर रोटी, और ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मिस्सी रोटी, ये आई डोंट नो क्या है बट लेट्स ट्राई, और मटन शीक कबाब। अनरैप हो गया और अरेंज भी हो गया, और जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास है चिकन, वाइट चिकन, चिकन अफगानी, चार तरह की रोटियां, मटन शीक कबाब और थोड़ा सा राइस। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट ईटिंग। शुरू करते कुलचे से। बटर कुलचा, बटर कुलचा विथ चिकन अफगानी, बटर कुलचा ट्राई करते हैं व्हाइट चिकन के साथ। दिखने में तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। गजब के सारा गजब।
सो गाइज, मेरे लास्ट वाले वीडियो में हमने बात किया था कि आपको ये वीडियो में क्या अलग लग रहा है, और वो बात हम ये वीडियो में करने वाले हैं कि आपको क्या डिफरेंट देखने को मिल रहा है। सो इट वॉज़ वेरी ऑब्वियस कि मैंने मेरे सेटअप पे बहुत सारा काम किया है। आप देख सकते हो कि मेरा बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है, पहले भी ब्लैक ही था, वो ब्लैक कपड़ा था, मैं कपड़ा लगाता था। उसके बाद अवन स्टोरी के पिज़्ज़ा के वीडियो में रेड बैकग्राउंड था, बट उसमें फूड पॉप आउट नहीं हो रहा था, एंड मैंने डिसाइड किया कि ब्लैक वुड बी वेरी गुड सो दैट फूड विल पॉप आउट और आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिले। इसी बीच चिकन अफगान विथ मिस्सी रोटी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं। मिस्सी रोटी मोर और लेस मुझे थेपले का फील दे रहा है। ट्राई करते हैं वाइट चिकन के साथ। मिस्सी रोटी विद वाइट चिकन, दोनों ही ग्रेवी ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, बट चिकन अफगानी में इन्होंने भर भर के पीस दिए, मुझे 5 पीस आए थे, आई गेस 4 पीस आए थे, और उसमें बॉयल अंडा भी है। वेर एज वाइट चिकन में इन्होंने 3 ही पीस दिए थे, बट वो पीस बोन ज़्यादा था और मीट कम था, बट दोनों का टेस्ट गजब है, गजब। ये हो गई बात मेरे बैकग्राउंड की, अब आते हैं मेरे लाइट्स पे। मिस्सी रोटी गिर गया, गिर गया। ये भी देख ही लो, कांदा, चिकन और मटन के साथ ये मैंडेड है, लगता ही लगता है। राइस अभी ट्राई करूँ या लास्ट में ट्राई करूँ? थोड़ा सा ट्राई कर ही लेते।
चिकन अफगानी विथ सम जीरा राइस। ऑनेस्टली बोलूँ तो रोटी के साथ जो ग्रेवी खाने का मजा है ना, वो राइस के साथ नहीं आता। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड तो हो गया, लाइट्स के बारे में बात कर रहे। तो मैंने डिजिटेक का एक बड़ा सा रिंग लाइट, आई गेस 18 इंच का है, वो मंगाया। वो यहाँ पे सामने है। और एक छोटा सा रिंग लाइट जो मैं पहले यूज़ करता था वो यहाँ पे। इट इज़ बिकॉज ये बड़ा रिंग लाइट मेरे फूड पे काम करेगा और मेरे फेस पे काम करेगा, और ये जो रिंग लाइट है वो यहाँ से फिल करेगा लाइट, सो दैट यहाँ पे मेरा शैडो ना दिखे। मटन चीक कबाब, तो लास्ट टाइम हमने अफगानी के साथ ट्राई किया था, इस बार वाइट चिकन के साथ ट्राई करते। मुझे लग तो नहीं रहा है कि ये अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, बट लेट्स सी। मटन चीक कबाब वाइट चिकन के ग्रेवी के साथ। अफगानी के साथ बहुत सही था, इसके साथ अच्छा नहीं था। रोटी में से लास्ट पीस बटर नान, ऑब्वियसली अफगानी के साथ ही ट्राई करने वाला हूँ मैं। लास्ट रोटी का पीस बटर नान विथ चिकन अफगानी। सो गाइस, बहुत ज़्यादा ने मुझे ये रेकमेंड किया कि मैं मेरा वीडियोस की क्लैरिटी बढ़ाऊँ, इन सेंस कि पहले मैं मेरे फ़ोन पे शूट करता था M31S पे, और अभी मैं एक प्रॉपर मिररलेस कैमरा में शूट कर रहा हूँ। तो आपको क्लैरिटी का अंदाज़ा आ ही गया होगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों वीडियोज़ में, पहले की वीडियोज़ में और अभी के वीडियो में। तो आई थॉट ऑफ गेटिंग अ न्यू कैमरा, एंड मैंने कैनन का नया कैमरा लिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, रिंग लाइट का भी डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, पेंटर का लिंक नहीं दे सकता, सो आई कांट हेल्प इट। बट गाइज, अब जब मेरे वीडियोस की क्लैरिटी बढ़ रही है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए, सो आई होप एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरे मकबैंक्स की वीडियो देखो, उस पर कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ,
बिकॉज ऑल आई एम डूइंग इज फॉर माई व्यूवर्स. मुझे कुछ चैलेंजेस, फूड चैलेंजेस आप कमेंट कर सकते हो. जैसे कि मैंने पहले बहुत सारे चैलेंजेस किए, 100 पानीपुरी चैलेंज, 2 चिकन महाराजा, फिर स्पाइसी नूडल चैलेंज, मोमोज चैलेंज, जो फेल हो चुका था. तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि कोई अतरंगी, कोई भी अलग चैलेंज जो आप देखना पसंद करते हो. अब जब ये मकबैंग ख़त्म होने रहा, ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत ही लजीज खाना था. लजीज इज द वर्ड फॉर इट. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. आज का मकबैंग यहाँ पे ही ख़त्म होता है. बट बिफोर गोइंग, लेट मी टेल यू वन थिंग. आप जाइए, ये चिकन अफगानी और चिकन वाइट ट्राई करो. मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ कि आपको कैसे लगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू. मिलते हैं ब्रेक के बाद. बाय.